नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही हूँ गोवर्धन पूजा अन्नकूट कथा व्रत विधि। जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दिवाली के अगले दिन, दीपावली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोबर की अन्नकूट बनाकर या उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ से भगवान को भोग लगाया जाता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार है, कथा जरूर सुने, घर में सुख समृद्धि होगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृषासुर सहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए ये सब तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवी को पार्जन की समस्या हल होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा, कि इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान जी ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। इसे इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। तभी सब ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए गोवर्धन के पास। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। इस तरह 7 दिन तक गोप गोपिकाएं गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा पानी का। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ कि तब भगवान की महिमा को समझ कर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर कर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे 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 राधे, हर हर महादेव की जय हो।